और अब बता दें कि लोकसभा निर्वाचन 2024 का द्वितीय चरण का मतदान जारी है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा से पूर्व सांसद संतोष पांडे के बीच कांटे की टक्कर है। बता दें कि खैरागढ़ विधानसभा में लोग बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मितानिन दीदियों ने तिलक लगाकर व आरती उतार कर मतदान करने आए लोगों का जोरदार स्वागत किया। बता दी कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत वर्मा ने अपनी पत्नी सुधा वर्मा के साथ सिविल लाइन स्थित शासकीय प्रायोगिक प्राथमिक शाला मतदान केंद्र क्रमांक 222 में लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने जिले के समस्त मतदाताओं से मतदान करने की अपील की, साथ ही उपस्थित मतदाताओं का उत्साह वर्धन किया। इस दौरान उनका पुष्पगुच्छ एवं तिलक लगाकर स्वागत किया गया। नमस्कार, मैं साकेत श्रीवास्तव साधना न्यूज खैरागढ़ से। इस वक्त हम खैरागढ़ के पिपरिया बूथ में उपस्थित हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ में खैरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र के अध्यक्ष हमारे साथ में उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कैसा माहौल है चुनाव का, बताएंगे शैलेंद्र वर्मा जी, क्या माहौल है चुनाव का आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है, दोनों पार्टी का बराबर वोट हो रहा है, मतदाता खुश हैं वोटिंग में। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? अब वो तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। अब मैं तो अपने वार्ड को ही देख रहा हूँ, बाकी जगह से तो मेरे को पता नहीं है। आपके वार्ड में क्या लगता है? मेरे वार्ड में तो कांग्रेस जीतेगा। जीतेगा, कितने वोटों से जीतेगा? लगभग 100 वोट से जीतेंगे। और आज लोकतंत्र का महापर्व है, लोकसभा चुनाव का द्वितीय चरण का वोटिंग चल रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है, लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग उत्साह से 7 बजे से लाइन में खड़े हैं और अपना अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आइए हम, कुछ लोग हमारे साथ उपस्थित हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग करने यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या सोच के, किन मुद्दों को लेकर वो आज वोट डालने के लिए आए हैं, क्या सोच के आज वोट डालने के लिए आए हैं। आइए बात करते हैं जी, बोलिए क्या सोच के आज आप वोट डालने के लिए आए हैं? हम वही सोच आए हैं कि जो मताधिकार है अपना, उसको अपने डालना है और देश को आगे बढ़ने के लिए हमको साथ देना है। क्या लगता है क्या होना चाहिए और देश में आपके हिसाब से? हमारे देश में अभी तो विकास हो रहा है और अच्छे से विकास हो, इसलिए हम लोग सब अपना साथ दे रहे हैं। क्या लगता है आप वोटिंग करने आए हैं आज, किन मुद्दों को लेके? आज बहुत सारे मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस की न्याय योजना है, बहुत सारे वादे दोनों पार्टी ने किए हैं, आपकी क्या सोच है? हमारे महतारी वंदन चलत है, ओकर नाम से हम और बढ़ रहा चाहते हैं देश। पिपरिया वार्ड के पूर्व पार्षद गिरुआ पटेल जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं। क्या है सर, क्या माहौल है आपके वार्ड में? वार्ड में तो बीजेपी का ही माहौल है, पूरे बीजेपी में ही जाएगा। और हमारे राज्य शासन ने जो महतारी वंदन का वो 1000 रुपये जो दे रहे है, उसको धन्यवाद देने के लिए अपना वोट डाल के उसको धन्यवाद देगा, हमारा यही है। और हमारा मोदी जी भाई सेंटर गवर्नमेंट में जो मोदी जी है वो अच्छे से काम कर रहा है, विकास भी कर रहा है और राज्य के लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो और इससे और आगे इससे बढ़िया विकास होगा, इसलिए हम लोग बीजेपी वाले पूरा भीड़ के काम कर रहे हैं और सभी लोग हमारा वार्ड का लोग भी बीजेपी में ही वोट करेगा। ठीक, आइए और हमारे साथ हैं सर, उनसे जानते हैं कि क्या माहौल है सर, कैसा लग रहा है आपको वोट डाल के? वोट डाल लिए? वोट नहीं नहीं डालने डालने जा रहे हैं। क्या सोच के जा रहे हैं वोट डालने? मोदी की गारंटी पूरा करना, मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, दूसरी तरफ संतोष पांडे जी है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? संतोष पांडे का पलड़ा भारी है। ठीक सर, कुछ और लोग वार्ड के पिपरिया वार्ड के उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है आज, कैसा माहौल है, क्या माहौल है खैरागढ़ क्षेत्र में, आइए जानते हैं। जी आपका नाम? चेतनलाल निषाद। क्या लगता है सर, कहाँ से है आप? यही पिपरिया। क्या लगता है कैसा माहौल है चुनाव का, कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है आपके क्षेत्र में? देखो माहौल तो बहुत अच्छा है, बीजेपी का माहौल है, नरेंद्र मोदी का जो विकास चल रहा है उसके नाम से गारंटी का वो चल रहा है जी। क्या लगता है, इतना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, कई कई जगहों पे बात आ रही है कि उनका पलड़ा भारी है, कई जगहों पे बात आ रही है संतोष पांडे जी का पलड़ा भारी है, आपके क्षेत्र आपके एरिया में क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है? अब हमारे क्षेत्र में तो संतोष पांडे का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार किया है और यही सब है, ठगने का काम किया है। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे?
अपन हमारे यहाँ मुद्दा वही है कि अपन का बोलते आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और महिला महिला महतारी वंदन योजना, इस हिसाब से।